हे गाइज व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू सेलेस एडिटिंग जोन। आज की इस वाली वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग जो देखने में काफ़ी उत्तम लग रही है। तो इस वीडियो में काफ़ी मज़ा आने वाला है, तो अभी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और इस फोटो को हम लोग बिल्कुल एक टूल की मदद से एडिट करने वाले हैं। तो इस वीडियो में काफ़ी सिंपल तरीके से हम आपको बता दूंगा कि कैसे इस टाइप की फ़ोटो एडिट करना है। तो इस वीडियो में बने रहिएगा, चलिए इस वाली वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देन गाइज आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, स्नैपसीड ऐप को ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिख जाएगा। तो सिंपली आप लोगों को इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जिस भी फ़ोटो को आप एडिट करना चाहते हैं, सबसे पहले हम लोग इस वाले बैकग्राउंड को आप लोग ले लेंगे। और लेने के बाद कुछ इस टाइप का ये बैकग्राउंड है और इस बैकग्राउंड को ओपन करने के बाद साइड में आपको एक पेंसिल वाला आइकन दिख रहा होगा, इस पर हम लोग सिंपली क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको ऐसे नीचे आना है और एक डबल एक्सपोजर का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, फिर प्लस पे क्लिक करेंगे और जिस भी फ़ोटो को आपको एडिट करना है उसे हम सिंपली ले लेंगे। जैसे मुझे ये फ़ोटो को एडिट करना है, तो इस फ़ोटो को लेने के बाद आपको इस फ़ोटो को कुछ इस टाइप से जूम करना है और जूम करने के बाद यहाँ पे क्लिक करके इसकी ओपेसिटी को हम लोग फुल कर देंगे और फुल करने के बाद हम लोग राइट पे क्लिक कर देंगे। और इतना करने के बाद आपको ऊपर साइड में क्रॉस तीर का आइकन दिख रहा होगा, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद व्यू एडिट पे क्लिक करेंगे, डबल एक्सपोजर पे क्लिक करके हम लोग ब्रश को ले लेंगे। लेने के बाद फिर हम इस कोने पे क्लिक करेंगे और इसकी साइज को हम लोग जीरो करेंगे और फोटो को कुछ इस टाइप से जूम करेंगे और साइड से कुछ इस टाइप से इसे रिमूव कर लेंगे। देन गाइज आप लोगों को इतना करने के बाद नीचे साइड से आप लोगों को साइज को जीरो कर देंगे और कुछ इस टाइप से नीचे से हम लोग अरेंज करेंगे इसको। और इतना करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, राइट पे सिंपली क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद यहाँ से हम लोग बैक हो जाएंगे और फिर से हम लोग पेंसिल पे क्लिक करेंगे, डबल एक्सपोजर पे क्लिक करेंगे, प्लस पे क्लिक करके हम फिर से वही फोटो को ले लेंगे। तो इस फोटो को लेने के बाद आप लोगों को कुछ इस टाइप से इसे एडजस्ट कर देना है। इतना करने के बाद फिर इस पे हम लोग क्लिक करेंगे और इसकी ओपेसिटी को हम लोग फुल कर देंगे और फुल करने के बाद आप लोगों को राइट पे क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद ऊपर साइड में क्रॉस तीर का आइकन है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, व्यू एडिट पे क्लिक करेंगे, डबल एक्सपोजर पे क्लिक करेंगे, ब्रश को हम लोग सिंपली यहाँ से ले लेंगे। और लेने के बाद आप लोगों को इस पर क्लिक करना है, साइज को यहाँ से जीरो कर देना है और साइड से कुछ इस टाइप से इसे हटा लेना है और फिर फोटो को जूम करना है ऐसे और कुछ इस टाइप से इरेज करना है। आराम से करिएगा, जितना आराम से करेंगे उतना परफेक्ट आपका जो ये बैकग्राउंड है इरेज होगा। तो मैं कर लेता हूँ जल्दी जल्दी से, आप लोग आराम से करिएगा।
देन गाइज आप लोगों को इतना करने के बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इस राइट पे क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद सिंपली आप लोगों को यहाँ से बैक हो जाना है। और बैक हो जाने के बाद फिर से आपको इस पेंसिल पे क्लिक करना है, डबल एक्सपोजर पे क्लिक करना है, इस प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ से आप लोगों को एक PNG का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं इस बैकग्राउंड और PNG को भी सारा। तो ये रहा, मैं सिंपली यहाँ से इसे ले लेता हूँ और लेने के बाद सिंपली हम लोग इस पे क्लिक करेंगे और सिंपली इसे ऐड कर देंगे। देन गाइज इतना करने के बाद आप लोगों को सिंपली इस राइट पे क्लिक करना है और इस पे क्लिक करके क्रॉस तीर पे व्यू एडिट पे क्लिक करेंगे हम लोग, डबल एक्सपोजर पे क्लिक करके ब्रश को हम लोग ले लेंगे। फिर यहाँ से इस पे क्लिक करके हम लोग साइज को 0 करेंगे और अपने स्किन पे जो भी आया इस इफेक्ट को ऐसे रिमूव कर लेंगे। देन गाइज इतना करने के बाद आप लोगों को इस राइट पे क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद यहाँ से आप लोग बैक हो जाएंगे और आप लोगों का फोटो जो है कुछ इस टाइप से बन के तैयार हो जाएगा। तो आपको फिर से इस पेंसिल पे क्लिक करना है और यहाँ से डिटेल्स पे आप लोग क्लिक करेंगे, इसकी स्ट्रक्चर को हम लोग बढ़ा लेंगे और शार्पनिंग को भी हम लोग इंक्रीज कर लेंगे, 20 कर लेंगे। और इतना करने के बाद आपको राइट पे क्लिक कर देना है और कितना इस फोटो को आप लोग 4 स्टेप में एडिट हो गया है वो भी सिंपल तरीके से। और इस फोटो को हम लोग सेव करने के लिए इस तीर पे हम लोग क्लिक करेंगे और सिंपली यहाँ से आप लोग एक्सपोर्ट कर देंगे। तो गाइज कैसी लगी वीडियो? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। हाँ चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।